सबसे पहले हम लोग पहले इंटीग्रेशन के हर एक फॉर्मूले देख रहे हैं, एक मिनट में सब कवर कर रहे हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, अभी क्या बात करना है, जीरो कौन सा डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, कांस्टेंट का। इंटीग्रेशन ऑफ वन, अभी आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ वन किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स का। और आपको पता है इंटीग्रेशन है तो डीएक्स है और आंसर में प्लस सी है। इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स, अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ पॉज के एक्स किसका डेरिवेटिव है, के का, बराबर है। के एक्स का इंटीग्रेशन होगा के प्लस सी, मतलब के एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा के। ये कैसे याद करना है, क्या करना है, ये सब हम लोगों ने पहले देखा है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स, अभी बताओ वन अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है, लॉग एक्स का, तो हम लोग लॉग एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू रूट एक्स, अभी आप मुझे बताओ टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है, रूट एक्स का, बराबर है। इसके बाद आता है जीरो वन कॉन्स्टेंट वन अपॉन एक्स एक्स ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स इसका डेरिवेटिव बेटा ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखना है, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, फॉर्मूले याद रखना है बस, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन अभी इसके बाद आता है बेटा आपका जनरल एग्जाम्पल्स हो गए। अभी मैं ये सब लेता हूँ, साइन एक्स एन 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 फॉर निगेटिव माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स एस 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 फॉर साइन एक्स प्लस सी, साइन कॉस हो गया। अभी टैन एक्स टालो से लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी को लो सी लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी कॉट टैन कॉट, अभी हम लोग लेते हैं सेक एक्स, तो हम लोग बोलते हैं सेल सेट बराबर है। आगे का है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, बोलो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसको हमने बात किया था सेल सेट, इसको बात किया था कोला कोकम। अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है, कोसेक एक्स का, बराबर है। फिर आता है आपका यू डॉट वी रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस पे क्या सिंपल एग्जाम्पल पूछने थे वो कॉलेज वालों ने आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट नहीं तो सेकंड यूनिट टेस्ट में बेटा पूछ लिया है, मतलब एलएचएस दिया होगा आपको, आरएचएस बताना है, ऐसे सम आपको उन्होंने पूछा था। अभी हम लोग ये रिवीजन में थोड़ा सा और इन डेप्थ बेटा पढ़ाई करने वाले हैं। डोंट वरी, लास्ट डे तक आप प्रेजेंट रहो, आपको कॉन्फिडेंस कैसे देना ये मुझे पता है, ठीक है। अभी हम लोग बेटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, होप सो आपने ये भी सब लिख लिया है, कल बहुत लोगों ने मुझे राइटिंग प्रैक्टिस भेजा, अच्छा है, ठीक है। अभी और आगे के छह भी फॉर्मूले है बेटा, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट है और ए से स्टार्ट है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी,
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट है और एक्स स्टार्ट है स्ट्रक्चर प्लस डिनोमिनेटर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट है और एक्स स्टार्ट है स्ट्रक्चर प्लस डिनोमिनेटर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए काय करतो वाकड़ा छिरतो 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इज अ रैशनल पर्सन 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। आप लोग लिख रहे हैं ऐसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम मुझे पास नहीं होना है, आपको पास होना है। ऐसे हैं अभिजीत भंडारकर, नहीं तो भंडारकर अभिजीत, बात तो एक ही है। वन अपन ए टैन इनवर्स एक्स अपन ए प्लस सी, और आगे यही सब मैं एग्जाम्पल रिपीट कर सकता हूँ। ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू ए एक्स, एक्स को लगकर कौन है ए इंटू वन अपॉन ए प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स एन 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 फॉर निगेटिव माइनस कॉस ऑफ ए एक्स, एक्स को लगकर कौन है ए इंटू वन अपॉन ए प्लस सी। ये ऐसे सम बेटा हम लोगों ने देखा था, ठीक है। डोंट नो, ये आपको आगे का सम दिया है तो आप बताओ आप इसका आंसर बेटा क्या लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, क्यों? क्योंकि ये तो फॉर्मूला है ना बेटा, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ये एम रेस टू एम इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट। और आपको पता है कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? के एक्स प्लस सी होता है, बराबर है। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? के एक्स प्लस सी होगा, समझ ले नक्की। तो ये मेरा बेटा आंसर आ गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, आगे का समय थ्री रेस टू एक्स डॉट टू रेस टू एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर बेटा थ्री रेस टू एक्स अपॉन लॉक थ्री इंटू टू रेस टू एक्स अपॉन लॉक टू प्लस सी, सिक्स रेस टू एक्स अपॉन लॉक सिक्स प्लस सी, थ्री रेस टू एक्स डॉट लॉग ऑफ थ्री प्लस 2 रेस टू एक्स डॉट लॉग ऑफ 2 प्लस सी। बोलो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? बोलो बेटा। देखो जिन्हें पता नहीं उनके लिए बता रहा हूं, a रेस टू m डॉट b रेस टू m होता है, a डॉट b रेस टू m होगा, तो ये होगा 3 इंटू टू रेस टू एक्स, मतलब हो जाएगा बेटा सिक्स रेस टू एक्स, और सिक्स रेस टू एक्स का आंसर मेरा यही आएगा। दिस इज माय आंसर, बताओ बेटा इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो हम लोग बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा फॉर्मूला आपका, आपको तो पता है एन लॉग एम क्या होता है बेटा, लॉग एम रेस टू एन होगा, लॉग एम रेस टू एन होगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस ई। आपको ये भी पता है बेटा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ई आंसर इज एफ ऑफ एक्स, तो आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बेटा एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी, मतलब मेरा आंसर ये होगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को ये सम ऐसे लगेगा कि ये इंटीग्रेशन में से नहीं फंक्शन में से, ऑब्वियसली ये फंक्शन में से, पर फंक्शन में एफ डैश एक्स वाला टर्म हमें आया ही नहीं था। आपको बेटा पता है इंटीग्रेशन इज एन
एंटी डेरिवेटिव, ये पता है आपको? हाँ, मतलब आप मुझे बताओ, हाँ आप मुझे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होता है? हाँ, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमने ये सब पहले भी लिया है, पर आपको फिर से बता रहा। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स होगा लॉग एक्स। इसका मतलब क्या है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। मतलब ये सर सादा फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, हो का नहीं? देखो ना, ये सादा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है, सादा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव, सादा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव। तो मुझे इससे ये मिल गया। तो अभी अच्छे से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। तो अभी देखो, मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स मेरे पास है, तो मैं लिखूंगा 3x² - 4x + k। अभी हर एक को इंटीग्रेशन अलग दिया, तो 3 इज कॉन्स्टेंट, x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3, 4 इज कॉन्स्टेंट, x^1 का इंटीग्रेशन होगा x²/2, और k का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? kx होगा, और आंसर में c आएगा, और ये बेटा मेरा है f ऑफ x। अभी सर मेरा मेन टारगेट है, देखो अभी 3 3 तो गया, 2 2 भी गया, मतलब मेरा आंसर 1x³ - 2x² है। देखो 1x³ - 2x², 1x³ - 2x², 1x³, तीनों में यही है, बस अभी हमें ये देखना है इसमें से क्या आंसर आता है। हाँ देखो, ये तो आंसर नहीं है, कौन सा? ये 2x² है ना, ये ओनली 2x है, तो ये तो नहीं है, मतलब 1 और 2 में से ही मेरा आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए बेटा हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अभी देखो ये हो गया, उन्होंने दिया है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, वी नो दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स का वैल्यू 0 पुट करो, जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 पुट करो। एफ ऑफ 0 का वैल्यू है 1, 0 - 0 + 0 + c, मतलब c का वैल्यू हो गया 1, मतलब c की जगह आप लोग 1 लिखोगे। देखो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, मतलब ये दोनों में से ही आंसर होगा। अभी बस आपको k का वैल्यू जानना है, तो इसके लिए f ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो वी नो दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 11, तो इसमें ही जहां जहां x है वहां वहां 11 पुट करो, तो ये होगा 11³ - 2, 11² + k 11, और c का वैल्यू 1 लेना है, तो f ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, x का वैल्यू क्या लिखना है आपने? x का वैल्यू 2 लिखना है बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी, x का वैल्यू 2, तो ये हो गया 2³ - 2² + k 2 + c का वैल्यू 1, ये तो आंसर 11 आता है। 2³ होगा 8, 2² - 2 = 4, 4² = 8, +2k + 1, -8 + 8 गेट कैंसल, तो फाइनली आपका आंसर आएगा बेटा 11 - 1 = 2k, तो 10 = 2k, तो 10/2 मतलब 5, मतलब k का वैल्यू 5 हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 2x² + 5x + 1। देखो मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बेटा 2 है, कर लेगा तुम्हारा? तो ऐसे भी आपको आंसर्स आ सकते हैं। चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, बोलो बेटा इसका आंसर क्या हो सकता है? फॉर्मूले हम लोग के याद होने चाहिए,
नहीं पता नहीं, आप बताओ मुझे क्या है। देखते, अभी देखो, देखते ही समझ में आना चाहिए बेटा, कौन सा फॉर्मूला ही है? 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब ये भंडारकर अभिजीत वाला फॉर्मूला है। आंसर है 1/a, सॉरी 1/a ना, सॉरी टैन इनवर्स x/a प्लस सी, मतलब 1/5 है बेटा, मतलब आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज माय आंसर। देखो बेटा, अगर ये आपको आगे का ऐसा सम दिया होगा और आपको अगर ये सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या है ऐसे, तो आपको पहले विचार करके सॉल्व करना पड़ेगा। देखो रिवीजन है ये, इसका पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 करना पड़ेगा, कि जो 1 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, आपको याद है जिससे डिवाइड किया वही कांस्टेंट आउटसाइड, जिससे डिवाइड किया वही कांस्टेंट आउटसाइड, आठों लगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का, 9, 3 का, कौन सा फॉर्मूला है? dx/a² - x² ए का कर दो, वक्र छिड़ दो, 1/2a log ऑफ a+x/a - x+c। इससे तो मुझे समझ में आ गया लॉग वाला आंसर है, मतलब ये और ये हो सकता है, ये आंसर तो नहीं है। तो अभी बस इसमें ऊपर देखो, ऊपर प्लस है, इधर प्लस है, बिंदास बिंदास 1 को टिक कर दो। पर अगर आपके पास टाइम है तो क्रॉस चेक करो, 1/9 तो जन्म से उधर ही है, ए का वैल्यू है आपका 5/3, 1/2a log ऑफ a+x a - x+c। अच्छे से देखो बेटा, 3 1 3 3 3 9, 5 2 10 10 3 30, और ये 5+3x, हाँ मतलब आपका आंसर बेटा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि बाद में 3 3 कैंसिल हो जाने वाला है और 3x इधर आ जाएगा, मतलब योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। देखो ये ऐसे क्वेश्चन दिया है, तो जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे आपके दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए बेटा, कौन सा फॉर्मूला है dx/x का, मतलब 1/x का आंसर होता है log ऑफ x+c। और अगर आपको पता है तो ये सब मिलके x है, तो आप लिखोगे log ऑफ x, और x को लगकर कौन है, 2 है, तो 1/2 लिखोगे, तो अपॉन 2 इधर लिखो, नहीं तो इसको अपॉन 2 लिखो, बात तो एक ही है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 इज माई आंसर, समझ लेगा नक्की। कैसा करूँ शक्तो? बेटा ते जे तुम्ही x² - जिथे स्क्वेअर असतो त्या वेळेला करायचं, हे तर साधं आहे ना, मतलब ये पहिले स्टेप से आंसर आ रहा है, तो आप पाचवे स्टेप पे क्यों जा रहे हो ना? देखो अगर ये ऐसे सम देखा तो मुझे कोई बता रहा है ये कौन से टाइप से सॉल्व करना है? यस, बिंदास्त मेथड इज आ रे, ठीक है ना, बिंदास्त मेथड से सॉल्व करना। क्या है देखो, मैं आपको पूरा बता रहा हूं, बिंदास्त मेक न्यूमरेटर न्यूमरेटर एज लाइक डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को बिंदास डिनोमिनेटर की तरह लिख लो। ऐ मास्टर, ऊपर तो ओनली एक्स है, आपने x+1 कैसे लिखा? ओके सॉरी, -1, देखो +1 -1 गेट कैंसल, बात तो वही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको याद होगा तो हमने ऐसे बहुत से सम उस वक्त भी लिए थे। तो ये हो जाएगा बेटा 1x, और वो ये हो जाएगा, ये तो dx है, dx तो 1 का इंटीग्रेशन होगा 1x, और इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x+1+c। बोलो आंसर क्या है बेटा इसका? फिर ऑप्शन नंबर 3, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो सब देखो,
अगर ये भी सम देखा तो अगेन दिस इज, मुझे जैसे दिख रहा है ये मेक न्यूमरेटर एज लाइक डिनोमिनेटर है, तो बिंदास ऊपर एक्स माइनस वन लिख लो। सर क्या बात करें, ऊपर तो एक्स प्लस वन है, आपने माइनस वन कैसे लिखा? ओके सॉरी, तो मैंने प्लस वन कर दिया। तो देखो माइनस वन प्लस वन तो जीरो हो गया, पर ऊपर तो एक्स प्लस वन है, तो और आपको प्लस वन करना पड़ेगा अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। फिर मैंने जैसे आपको बताया था ये और ये, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। मुझे आंसर दिखाई दे रहा है अभी, एक्स माइनस वन और इसमें से एक गेट कैंसिल, तो आपका आंसर होगा वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। टू इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है आपका, वन अपॉन एक्स माइनस वन मतलब आपका आंसर है लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बराबर है प्लस टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू। अभी देखो सर यहाँ पे ये कैसे सॉल्व करना है सर? तो ये लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, ये दोनों में से आंसर है, पर बाहर तो माइनस है यहाँ तो प्लस है, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे बाहर टू आ गया, मतलब मोस्ट ऑफ ये आंसर मेरा हो सकता है सेकंड वन, क्योंकि यहाँ पे वन है, पर अभी हमें पहले क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो आपको ये तो पता है बेटा वन अपॉन एक्स रेस टू एन, ऊपर जाने के बाद क्या होगा एक्स रेस टू माइनस एन, तो ये जगह एक्स माइनस वन रेस टू माइनस टू बराबर है, और ये तो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन हो गया। तो बेटा मैं अगर इसको अच्छे से सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस टू, एक्स माइनस वन माइनस टू प्लस वन होता है माइनस वन, माइनस टू प्लस वन होगा माइनस वन प्लस सी। देखो आपको पता है प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस इंटू माइनस माइनस टू, और ये नीचे आ जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन रेस टू वन। बोलो कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर टू है, समझ लेगा मित्रों क्या है वो फॉर्मूले। देखो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक्स स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। फिर कॉस टू थीटा के याद होंगे तो ऐसे चार फॉर्मूले हैं, तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद है तो उस वक्त मैंने बोला था किधर स्क्वायर बोलना है किधर टू बोलना है, और एक फॉर्मूला है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे ही मैंने आपको ये सिखाया था, अगर इसमें बेटा माइनस वन इधर चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या रहेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस वन इधर चला गया तो मैं लिखूंगा वन प्लस कॉस टू थीटा। सेम तरीके से यहाँ पे भी देखो माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर चला जाए तो वो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये वन तो वन ही रहेगा, कॉस टू थीटा इधर आ जाए तो हो जाएगा माइनस कॉस टू थीटा। तुम्हाला हे फॉर्मुले मित्रांनो डायरेक्ट पाठ होत असतील तर हरकत नाही, पर मैं ऐसे तरीके से जाने के लिए आपको इंसिस्ट करूंगा, ठीक है? तो इसके बाद मैंने फिर से आपको बताया था इससे मैं और एक फॉर्मूला इसका बना सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू, इधर इंटू है तो इधर अपॉन हो जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। और आपको याद है तो मैंने उस वक्त बोला था आपको साइन है तो माइनस है, कॉस है तो प्लस है, साइन है तो माइनस है, कॉस है तो प्लस है, ऐसे है। सर इससे और फॉर्मूला बन सकता है? हाँ, ये जो है ये हाफ अलाइड एंगल फॉर्मूला है, ये होता है बेटा वन प्लस कॉस
थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, इसका प्रैक्टिस करो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। आपको याद है टू थीटा को इन टू है तो टू थीटा को ही अपॉन होगा, ऐसे हमने उस वक्त बताया था। त्याच्यानंतर हे दोन फॉर्मुले, साइन क्यूब थीटा नहीं तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, एंड cos³ थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। और आपको याद रहेगा तो मैंने उस तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आंसर बेटा फाइंड आउट करते आना चाहिए और वो आ जाता है, डोंट वरी। देखो ये ट्रिगनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करना है, कैसे देखो ना, अभी मैंने बात किया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा अपॉन टू, साइन है तो माइनस है, साइन है तो माइनस है, 1 माइनस cos² x अपॉन टू, हर एक को टू अलग सा दो, बोलो हर एक को टू अलग सा दो, अभी हर एक को इंटीग्रेशन अलग सा दो, बोलो हर एक को इंटीग्रेशन अलग सा दो, टू इज कॉन्स्टेंट टेक इट आउटसाइड, के का इंटीग्रेशन के एक्स 1/2, एस 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 फॉर साइन, एक्स को लगकर टू है डॉट, 1/2 + c x/2 साइन ऑफ 2x अपॉन 4 + c, बोलो ऑप्शन नंबर क्या है। देखो ये आगे का सम दिया है आपको, उन्होंने पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ √1 + cos²x, फटाक से क्लिक होना चाहिए सर, बहुत से लोग ना ऐसे अलग अलग दिमाग लगाएंगे हाँ, कि हर एक रूट का रूट है, 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लो, √cos²x का इंटीग्रेशन लो, नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 + cos²θ इज इक्वल टू 2 cos²θ। देखो आप पहले पेज पे देखा तो साइन है तो माइनस है, कॉस है तो प्लस है, तो देखो कॉस है तो प्लस आ गया, तो बस मेरा ये आंसर होगा। इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, इसका आंसर नहीं निकाल रहे तो इसकी जगह ये लिख रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करो, ऐसे इसका मतलब है। तो आपको तो पता है √AB को मैं √A × √B लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा √2 × √cos²x, √2 इज कॉन्स्टेंट टेक इट आउटसाइड, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, √cos x का इंटीग्रेशन एस 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 फॉर साइन, बोलो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। देखो आपको सॉल्व करना है तो ऐसे बेटा डायरेक्टली सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, मतलब अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये 1/sin²x कर लो और ये 1/cos²x इसका इंटीग्रेशन ले लो, तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, इतना याद रखो, ये एकदम गलत है, मतलब आप लोग का पढ़ाई नहीं है। तो बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पता है 1 sin²θ + cos²θ होता है, तो मैं बेटा 1 को sin²x + cos²x लिख सकता हूँ, और नीचे तो ऑलरेडी sin²x × cos²x है, ओके। तो अगेन आपको पास फॉर्मूला है a + b / cd, अगर ऐसे रहेगा तो आप लिखोगे a / cd + b / cd, ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो ये होगा बेटा sin²x / sin²x × cos²x + cos²x cd, मतलब sin²x × cos²x। तो देखो cos स्क्वायर गेट कैंसिल, साइन स्क्वायर गेट कैंसिल, अभी मैं ऐसे अलग अलग दे सकता हूँ, 1/cos²x + 1/sin²x। आपको पता है 1/cos मतलब होता है sec²x, और 1/sin² होता है cosec²x। आपने ये देखा होगा sec²x किसका डेरिवेटिव है, टैन एक्स का, और cosec²x -cot x का, तो प्लस इनटू माइनस फिर माइनस हो जाता है, कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये
फॉर्मूले याद रखो, सब जिंदगी आसान है। देखो ये आगे का सम है, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 2 cos² थीटा होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा मतलब 2 sin² थीटा होता है। 2 2 गेट कैंसल, cos² upon sin² होता है cot², तुम्हाला आठवत असेल तर असे एक्झाम्पल आपण घेतलेत। स्क्वेअर अँड रूट गेट कॅन्सल, तो ये कॉट एक्स। को लो सी पता है आपको, को लो सी वाला फॉर्मूला है बेटा। तो आपका आंसर है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। शायद ये लिया था मैंने, 1 प्लस sin x, 1 प्लस cos x का मेरे पास फॉर्मूला है, 1 प्लस sin x का नहीं है। तो बेटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या सर? ये 1 प्लस sin x है ना, 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x लिया मैंने ये सब, आई रिमेम्बर इट। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करना, इधर अगर माइनस रहता तो मैं प्लस से मल्टीप्लाई करता। नीचे देखो ये फॉर्मूला आएगा, a+b (a-b) आंसर है आपका a² - b² हमारा बेटा। फर्स्ट ईयर का बैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट वीक से, तो जो आपके दोस्त लोग इंटरेस्टेड है जिन्हें डिप्लोमा करना है उनको मेरा नाम बताओ। 1 माइनस sin² x, आपको पता है 1 माइनस sin² थीटा मतलब cos² थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin x अपॉन cos² x। स्टार्ट हो जाएगा 20-25 इंक्वायरी तो अभी है, ठीक है ना? तो अगेन आप जितना बताते रहोगे दोस्तों को उतना हमारे लिए भी अच्छा होगा। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरा नाम बताओ। 1 अपॉन cos² x होता है sec² x, sin अपॉन cos होता है tan, और फिर एक cos बचा, 1 अपॉन cos होता है sec x। बस तो sec² x का आंसर है tan x, sec x (tan x) किसका डेरिवेटिव है? sec x का। बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो ये समझने से पहले, ओनली ऐसे सम है, x डिग्री वाला सम है, तो मैं इसका आंसर बेटा कैसे फाइंड आउट करना ये आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ना डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन करना चाहिए, और वो कन्वर्जन होता है ऐसे, x(π/180 rad). तो ये मैं कन्वर्ट कर लिया, x(π/180 dx। अभी ये मतलब ax हो गया, तो ए इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, x dx ऐसे लेते हो ना। तो सेम तरीके से बेटा ये क्या हो जाएगा, π/180 कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, तो ये हो गया π/180 x^1। x^1 का इंटीग्रेशन होगा x² / 2 + c, तो आपका आंसर है π x² / 360 + c, आपने ऐसे लिखा। अभी इसके लिए भी बेटा मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो अगेन ये वही होगा, cosec² x का मतलब होगा π/180 x dx। अगेन बेटा तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ cosec² ax। आपको फॉर्मूला पता है, आंसर है -cot(ax), x को लगकर a है, .(1/a+c), तो आपका आंसर होगा -cot(π/180 x), x को लगकर π/180 है, π/180 + c। उल्टा ऊपर जा सकता है ये, π/180 x (180/π + c). याद रखो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसको संरक्षण है, या आप आगे लेके आ सकते हो। तो आपका आंसर 180π cot π/180 + c ऐसे बेटा होना चाहिए। तो ये हमारा बेटा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन हो गया, और इसमें हमने सब टॉपिक बेटा इसमें कवर कर लिए।